So now we are on to the last topic of this chapter, which is how nutrients are replenished in the soil. Now, अभी तक हमने पढ़ा कि plants जो हैं वो जो भी minerals और water वगैरह हमने चाहिए होता है वो soil में से लेते हैं. अब जब plants ने soil में से वो observe करते तो अब उस soil में दोबारा से nutrients कैसे आएंगे? Replenish का मतलब होता है fill up, मतलब कैसे हम soil में nutrients को फिल अप कर सकते हैं कि प्लांट्स उसमें न्यूट्रिशन जब ले रहे हैं तो उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहे. सो उसके लिए हमारे पास होते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. सो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. इस तरह के ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो आपने बहुत बार देखा होगा फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को अपनी प्लांट्स में अपनी क्रॉप्स वगैरह पे डालते हैं. उसका रीजन यही है कि जो उनकी सॉइल है वहां पे न्यूट्रिएंट्स कम ना पड़ जाए, न्यूट्रिएंट्स खत्म ना हो जाए. बिकॉज अगर वहां न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स या क्रॉप्स उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और जब वो ऑब्जर्व नहीं करेगा तो क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगी. ओके, नाउ अब हम जो फर्टिलाइजर डाले उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है. अब प्लांट्स इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता. सो सॉइल के अंदर एक बैक्टीरियम होता है रिजोबियम. अब ये क्या करता है? ये बेसिकली कन्वर्ट करता है इन न्यूट्रिएंट्स को, मतलब कि नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, इन इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को वो कन्वर्ट करता है इस तरह से कि प्लांट्स उसे कंज्यूम कर सके. ओके, नेक्स्ट. अब ये जो हमारे पास ये जो बैक्टीरियम है ये रूट्स के अंदर रहता है. ओके, सो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन.